धीरे धीरे बैग खुलता रहता, धीरे धीरे सामान बाहर लहराता हुआ गिरता रहता। ओ भैया मार दिया, पुलिस बुला लो। लाइफ इज शॉर्ट गाइज, लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ छोटी है और लाइफ फेयर नहीं है, ये दो चीज तो है। ये नहीं मैं मानूंगा कि किसी भी हालात में कोई भी पॉजिटिव करना या बेस्ट करना कुछ है ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव है, ऐसा नहीं हो सकता। आई होप कि आपने फॉरवर्ड ना कराओ। पेड़ों की छाए में एक छोटा सा ब्रेक, कहो खाने पीने के बाद थोड़ी सी तो नींद आती है। देखो भैया इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, और रुक के ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है भैया। हमें कोई जल्दी थोड़ा, कोई ट्रेन थोड़ा पकड़नी है, हमारी कौन सी फ्लाइट छूट रही है। तो दो मिनट फिर से ब्रेक लेंगे, पानी पियेंगे, गप्पे मारेंगे, नहीं गप्पे नहीं मारेंगे, इतना भी टाइम नहीं है। हाँ तो भैया क्या मांग रहे हो, क्या हो गया? नहीं कुछ ना मांग रहे हैं, हम जगह ढूंढ रहे बैठने की, हमें बैठने की जगह ना मिल रही भैया, ऐसी जगह रोकिए कहीं तो कुछ। अच्छा चल एक काम कर, एक प्लेट छोले कुलचे लगा दे। तीखा ज्यादा? तीखा ज्यादा। एक्सपर्ट है भाई तू तो। भैया पहले दिन तो कमर टूटती है, स्टाइल कित प्रशांत भाई, स्टाइल कितना ही मार लो, टोपी कितना ही मार लो, बाइक तो चलानी पड़ेगी। बाइक चलाने से डर नहीं लगता, फिर लगता है तो इस गर्मी से। अब वो तो सोच गर्मी है नहीं एक्चुअल में, अभी 10 दिन पहले जितनी गर्मी चल रही होती ना, अभी तक तो भुट्टा बन गया होता। हाँ तो एनीवे पहले दिन जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, कमर थोड़ी सीधी कर ले, थोड़े से ब्रेक ज्यादा होंगे तो क्या, हम मैं अच्छा आपको बोल रहा था हमें कौन सी जल्दी है और आपको कौन सी जल्दी है। ऐसा कोई एजेंडा तो नहीं है, ये ट्रिप हम वैसे भी हसल पसल से दूर जाके अपने आप को रिलैक्स करने जा रहे हैं। और हम पहले यहाँ नहीं जाने वाले थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम सबसे पहले जाने वाले थे, पसंद बताएंगे कहाँ पहले हम जाने वाले थे, बाबा केदारनाथ के पास, बट वहाँ श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी तो बाबा ने हमको बोला बेटा तुम आराम से आना, क्योंकि तुम आते हो जब भी आते हो जब खाली खीली सा होता है ना, माहौल अच्छा होता है, चलो बाबा बाद में। सर हम पहले जा रहे थे केदारनाथ, तो वहाँ पे अब आपको पता ही होगा कि वहाँ पे इतने श्रद्धालु आ गए कि बहुत बुरा हाल था। उसके बाद हमारा प्लान बना गंगोत्री का, निलोंग का, पर वहाँ भी हमें अपडेट आया कि भैया अभी मत आओ, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो फिर गंगोत्री साइड, रास्ता भी खराब है, लैंडस्लाइड हो रही है, तो वो हमने आइडिया इसलिए ड्रॉप कर दिया था, और फिर हमने सेफर साइड हिमाचल में इधर गए। सो ये रीज़न था हमारा केदारनाथ गंगोत्री ना जाने का। अपने आसपास जो चीज़ें आ रही हैं उससे अपडेटेड रहिए। मैं जो मैं आपको बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक बार सोच लिया वो करना ही है, कभी कभी क्या होता है कि रियल टाइम में सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ कुछ सिचुएशन बिगड़ रही हैं, आप वहाँ पे पता कर रहे हो, और पता करने के बाद भी जब आपको पता है कि वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं है, तो ज़बरदस्ती वहाँ जाना कोई मेरे को लगता नहीं कोई तुक वाली बात है। सो तो अगर आप कहीं का भी प्लान बनाएं तो वहाँ के बारे में 10-15 दिन पहले से थोड़ा अगर हो तो न्यूज़ व्यूज़ पढ़ लें, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है कि भाई वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं चल रही, वहाँ कोई इशू तो नहीं है,
उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इशू ऐसे नहीं होते हैं, कभी कभी क्या होता है किसी शहर में कोई दिक्कत चल रही है, बड़े इंडिया लेवल पे नहीं होती है तो इसलिए न्यूज में नहीं आती है, पर लोकली कुछ जगह होती है ऐसी जो टूरिस्ट होती है वो बंद हो जाए लोकली, पर आप जाओ वहां पे वो सब बंद है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी कोई बुरी बात नहीं है। तो यही अपडेट है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे और रुक के और फिर निकलेंगे आगे, ठीक है? चले ब्रो, लेट्स गो। हो गया भैया टाइम पास, मस्ती, मूड लिफ्ट अप, थोड़ी फन, थोड़ी गपिया लिए। थोड़ा चिल आउट करके नहीं चल रहे हम, ज़्यादा ब्रेक्स लेके हैं दोस्तों। यार वो प्रशांत और मेरा ना थोड़ा हमारी ट्यूनिंग ऐसी है, नहीं वेवलेंथ खास तौर से राइडिंग पे मस्त मैच करती है। हाँ नहीं भाई, चेक 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 चेक, चलो बैग खुला छोड़ दिया था भाई ने, इसीलिए चेक 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 चेक, समझे भाई लोगों? अगर ये अकेला होता तो ऐसे चलता रहता, धीरे धीरे बैग खुलता रहता, धीरे धीरे सामान बाहर लहराता हुआ गिरता रहता, और भाई जब पहुंचता अपने डेस्टिनेशन पे तो मिलता उसको क्या क्या, खाली बैग। सो ध्यान रखें ट्रिप पे, वो हमेशा कहीं से भी चलें, चाहे आप कितने भी श्योर हो, एक बार डबल चेक ज़रूर करें, सारे बैग सारी पॉकेट सब कुछ बंद है। मैं भी कुछ चीज़ें खो चुका हूँ इसी वजह से, तो मैं अब अक्सर कोशिश करता हूँ कि एक बार चेक 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 सब देखूँ, और इसलिए आप काफ़ी बार सुनते होंगे जब मैं, तो एनीवे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे फिर से। ओके, ए भाई साहब ऐसी छील के क्यों छोड़ते हैं यार, क्यों छोड़ते हैं, क्यों क्यों क्यों, मतलब छील के छोड़ रखे, तभी छील है ना, जब बनानी हो रोड तब गुस्सा आता ना मेरे को, जब मैं रोड ऐसी छिली हुई देखता हूँ और उसको छोड़ रखा है, कि जैसे रोड पे ना सिर्फ गाड़ी ही चलती है। करीबन 1.5 किलोमीटर खींच रखी है, छील रखी है, और आसपास मुझे कहीं नहीं दिख रहा था कि कहीं रोड बनने का कोई इंतजाम है, ये रोड बनने वाली जल्दी, ये रहा वो छीलने वाली मशीन। आता भैया गर्मी 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 गर्मी, भयंकर गर्मी वापस हो गई है, कुछ ज़्यादा हमने तारीफ कर दी थी मौसम को, इतनी गर्मी हो गई है ना इस समय, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जाम में और पसीना पसीना हो गया बिल्कुल। ओहो चलो चलो चलो, जाम में थोड़ी गर्मी और भी लगती है ना, क्योंकि गाड़ियां खड़ी होती हैं, सबके एसी चल रहे होते हैं, उससे इतनी हीट निकलती है और टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पहाड़ दिख गए हैं 275 किलोमीटर मेरे घर से गाजियाबाद से, और सामने पहाड़ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उस तक पहुंचने का, पर फाइनली फाइनली हर बात की तरह बचपन से लेके आज तक की खुशी है ये, जब भी पहली बार पहाड़ दिखते हैं ना, मतलब एक खुशी सी आ जाती है, पहाड़ पहाड़ क्यों है ऐसा, ऐसा क्या है, या तो हमारी मेमोरीज हैं इतनी, या बस पहाड़ फैसिनेट करते हैं, मतलब कुछ तो है, आई थिंक कोई भी यूनिक चीज़, मतलब जब आप पहली बार बीच देखते हो या जब भी आप कभी बीच देखने जाओगे तो तब भी वो लगता है कि बीच, आप रेगिस्तान देखने जाओगे तो जो आपको प्रॉपर वो रेगिस्तान दिखेंगे, जब सैंड ड्यून्स दिखते हैं, जब आप जैसलमेर से आगे जाते हो सैम वहाँ पे, तो होता है जो यूनिक चीज़ है ना, मतलब पर आई थिंक पहाड़ों के साथ कुछ ज़्यादा है, क्या कहते हो आप, कमेंट्स में लिखना इस बारे में। तो अभी मैंने 360 दोस्तों इधर लगाया, ये अपना हिमालयन हाईवे स्टार्ट हो गया है, जो
भैया बैटरी खत्म हो गई थी, पेट्रोल डलवा लिया। आई थिंक वहाँ पे 1400 का आया था, यहाँ पे 1300 का आया। ठीक है भाई, मज़ा आ गया। क्या चला रहे हैं भाई, भाई सब रोड और चहल बिल्कुल मेन क्या है, बस पीछे ना मेरे को कभी कभी डर लगता है कि पहले वो चीटी है ना पीछे से ना आ जाए। पीछे से मतलब जैसे आप टर्न ले रहे हो, हाँ आसपास में चलते रहते टैक्सी वैक्सी, हाँ साले कोई आगे पीछे से होता है कई बार, हाँ वो भी रेस लगाने लगते हैं और पता ही नहीं चलता कब बराबर में आ गए एकदम से आप। हाँ हाँ, अगर आप ये एंगल पे हो ना, हाँ और आपने कुछ भी करा, हाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो आगे रुकते हैं, जो भी पहले आता है। हाँ वो वाली वीडियो कैसे अच्छी साइड वो 360 पे हाई चला जा रहे हो। थ्री थन हाँ आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं अभी? तो घर से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं। हाँ थोड़ा टिप्स देगा ना? सॉरी वैसे आप कैसे ट्रैवल करते हैं, कोई टिप्स दे सकते हैं आप हमको? आप मेरा चैनल देखो ना, सब कुछ है उसमें। अच्छा, उसमें ज़्यादातर वीडियोस इसी के लिए ही हैं कि कैसे करना चाहिए। आईडी क्या है? फाल्कन राइडर्स FAL FALCON फाल्कन राइडर्स। आप बताओ कौन सी टाइम अच्छी होते हैं ट्रैवल करने में? लद्दाख? हाँ अभी अभी कौन सी बाइक सजेस्ट करते हैं आप? कोई सी भी। व्हाट आई से इन व्लॉग्स ना, इट्स नॉट अबाउट द बाइक, इट्स अबाउट यू। ओके, एनी बाइक कैन गो। मैं बोल रहा हूँ इस पे चले जाता हूँ, पीपल हैव गॉन इट, इट्स जस्ट यू माइट हैव अ बैक पेन ना लाइक दिस, बट इफ यू आर यूज्ड टू, लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट। आई एम यूज्ड टू इट। हां सो लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट। He is saying you have to travel only in Royal Enfield. No, no, no. On Royal Enfield, I am saying that naked bikes. No, no, no. People have done on moped, scooty, everything. I know a person who went on XL. Huh, so everybody. It's you. Prepare. Preparation is the most important thing. Okay. You mentioned everything in the video. Yes, everything. Okay. Thank you, bro. Chalo, see you. Thank you, bro. You will be in the vlog anyway. Thank you. Bye. चले तो भैया मौसम बहुत बढ़िया हो गया, बादल बादल हो गए, वो बरसना मत भाई लोगों, ऐसे ही रहो एकदम ठंडा करके रखो। थैंक यू सो मच भगवान जी, कनेक्शन अपना पर कभी कभी टूट भी जाता है, कोई बात नहीं, पर जनरली रखते हैं अपना ध्यान। तो एनीवे मौसम हो गया बढ़ गया, 1300 का पेट्रोल डला लिया है, अभी हम सोलन पहुंचेंगे, सोलन से शिमला, शिमला से होते हुए नारकंडा, नारकंडा से आगे। तो ये तो हो गया रूट का अभी तक का, और रोड एकदम चकाचक है, फर्स्ट क्लास, और पहाड़ों पर चढ़ते ही तो ऐसी मस्त 4-lane हाईवे है कि भाई साहब मज़ा ही आ जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा। वैसे मेरा ये वाले की तो बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरे की, तो 360 से बन रहा था लगातार, तो आई होप कि आपने इन्जॉय करे होंगे शॉट्स। सो अभी हम आ गए हैं कसौली, जहाँ पे मैं अभी कुछ टाइम पहले वर्सेस के मीटअप पे आया था ना, तो ये कसौली है, यहाँ से लेफ्ट अंदर जाके। बढ़िया यहाँ जगह मिल गई है, अपना कोल्ड ड्रिंक, चिप्स विप्स, कुछ छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं फटाफट वाला, बढ़िया। ओरे भैया मार दिया, पुलिस बुला लो। बहुत ही बढ़िया वेलकम हुआ हमारा, एकदम से मौसम चेंज हो गया, एकदम चक्कू मौसम हो गया, ठंडी हवा और रोड, सारी थकान उतर गई मेरी। सही
रोड तो ऑसम थी भाई, और मौसम भी ऐसा हो गया था जैसे मैंने आपको दिखाया, मज़ा आ गया। मतलब बाइक चलाने के ना तो दिल खुश हो गया, डीजे ने सारी हॉर्स पावर निकाल दी रोड। मज़ा आ गया। 360 के शॉट्स मिले होंगे देखने को, क्योंकि मेरा ये वाला कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, पर स्टिल एक दो शॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ही क्लोज निकलने की कोशिश करी है, वो शायद बढ़िया आए होंगे। वो ट्रेलर में आ चुके होंगे, अब तक आप देख चुके होंगे वो शॉट, अगर आ गए होते आए होंगे तो, क्योंकि ये वीडियो तो बाद में आएगा ना, इससे पहले ट्रेलर आ चुका होगा। तो धर्मपुर में ज्ञानी के ढाबे के बराबर में चौप है, यहाँ पे अपने जूस वूस पी लिया। सो अभी निकल रहे हैं हम नारकंडा की तरफ, यहाँ से 4 घंटे दिखा रहा है, तो अभी पौने एक बजे अभी तो 4:15 बजे अगर हम रेगुलरली चलते रहे तो 4:15 बजे हम पहुँचेंगे नारकंडा। सो विच इज़ नॉट बैड टू बी, अगर पहुँच गए 4:15 जो लिखा है तो नॉट बैड। हाँ फिर 4:30 पहुँच गए ना, तो फिर आगे तक हम टाइमली पहुँच जाएंगे। हाँ तो आगे चले, मेरे ख्याल से 6 बजे तक राइड करेंगे, 6:30 अंधेरे से पहले। एक जगह ड्रोन उड़ाना है, वो कारजॉक वाला जो रोड आएगा ना अंदर वाला। हाँ जब हम से आएंगे वहाँ पे करेंगे। ओके रोजर आउट। चलें दोस्तों आगे की तरफ, मैप लगा लिया मैंने, कभी कभी राइड करने और बाइक चलाने के उसमें इतने खो जाते हैं कि गलत रास्ते की तरफ ना निकल जाएं, तो जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी इसको मैंने लगा लिया। वैसे तो सीधा सीधा रास्ता है यहाँ से सोलन, सोलन से शिमला, शिमला से थियोग, थियोग से आपका नारकंडा। इस बार मैं टैंक बैग भी नया वाला लेकर आया हूँ, जो मेरे को भेजा था, जो मैंने आपको बताया था आपका बाइकर्स बे से आया था, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो ऐसा नहीं है भाई लोगों, जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ या बोलता हूँ वो एक बार अपना खुद भी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। सो ये मैग्नेटिक यूज़ कर रहा हूँ मैं, अभी तक तो जो मेरा पुराना राइनक्स था वो मैं स्ट्रैप की तरह यूज़ करता था, इसको मैग्नेटिक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत बड़े ना की वजह से जहाँ जहाँ मेरे टैंक है, क्योंकि टैंक के बाद जो फेयरिंग है वो तो प्लास्टिक है, सो टैंक तक इसका मैग्नेटिक वो पहुँच रहे थे, तो लगा हुआ है सही अपना, साइज़ थोड़ा छोटा है क्योंकि कम दिन की जर्नी है, तो ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, अब रखने का तो कुछ भी रख लो, पर स्टिल। पर हाँ मतलब अगर मैं लॉन्ग राइड पे जाऊँगा, जैसे मैं लद्दाख 8-10 दिन उस टाइप की जगह जाता हूँ, तो शायद अपना राइनोक्स ही प्रेफर करूँ, क्योंकि उसको थोड़ा बड़ा है, थोड़े पॉकेट्स एक्स्ट्रा हैं जैसे मैंने बताया था। सो या एकदम मक्खन रोड है भाई सब मक्खन, जैसे ही पहाड़ी रास्ता स्टार्ट होता है, तो अगर कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे पहाड़ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता चलाने का, वो अक्सर क्या होता था कि पहाड़ में विदाउट डिवाइडर वाली रोड ही है ज़्यादातर सब जगह, तो और पहाड़ों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, सामने से भी गाड़ियाँ आती हैं, वो सब तो बहुत मुश्किल तो होता ही था पहाड़ों की। पर जब से अगर ये डबल लेन हाईवे जैसे बन गया है, तो मेरे को लगता है ना ये जो जिनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता था, जो कॉन्फिडेंस नहीं होता था वो भी अब आ पाएंगे, इन्जॉय कर पाएंगे। सो हाँ या सो भैया मतलब कसौली तो मतलब अगर एक हिल स्टेशन तो ऐसा जो बिल्कुल ही जिनको डर लगता है ना वैसा पहाड़ में, वो मतलब कसौली तो आ ही सकते हो, कसौली को जो पीछे रास्ता था, मतलब हार्डली आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है, और एकदम डबल लेन हाईवे है आराम से, फिर आप भी कह सकोगे मैं गाड़ी लेके गया था पहाड़ों में, इंजॉय करके आया हूँ, खुद चला के गया हूँ।
तो सोलन क्रॉस कर लिया दोस्तों, शिमला की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छी रोड बीच बीच में आ रही है और बीच बीच में ख़राब रोड भी आ रही है। आई थिंक ये पूरा शिमला तक आई थिंक ये 4 लेन होगा, तो काम चल ही रहा है। सो हाँ, यही अपडेट है। बाकी मेरे को याद आया कि सुबह मैं आपको बता रहा था ना वॉल वाली स्टोरी, ये टायर का वॉल कल बदलवाया मैंने, तो कल वो चेंज नहीं हो रहा था कहीं पेपर, फिर बाद में शमशेर मिला उसने कर दिया। तो बेसिकली मेरा ये बताने का था कि ये एक ड्रॉबैक, जैसे महंगी बाइक लो ना स्पोर्ट्स बाइक इस टाइप की, ये वन ऑफ द ड्रॉबैक्स होते हैं कि इसको ना इसकी छोटी मोटी चीज़ें भी सही करने से ना लोग बचते हैं और आपको मिलेगा नहीं फिर मैकेनिक। अब मैकेनिक को ये लगता है कि यार मैं कुछ करूँ, कुछ हल्का सा भी नुकसान हो जाए तो फिर ये मेरे पर चढ़ जाएंगे, तो इससे अच्छा कि वो लगता है कि 10-50 रुपए के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क ना लूँ। और आप भी नहीं चाहते कि कोई इस पर हाथ साफ करे कि मतलब उसने करा नहीं है कभी और वो करना चाह रहा हो, समझ रहे हो, तो आपको भी लगेगा यार कुछ गड़बड़ ना कर दे। सो ये एक ड्रॉबैक होता है थोड़ी महंगी बाइक या इस टाइप की सुपर बाइक्स लेने का, और ख़ासतौर से अगर आप उन्हें लेने के बाद ना शहर से बाहर उधर इधर घूमने जाना चाहते हो जहाँ पे उसके मैकेनिक वैकेनिक होते हैं। देखो शहरों में, दिल्ली NCR में हो या बॉम्बे में, वहाँ तो क्या है कि शोरूम है इनके सबके हैं, पर जब आप दूर जाते हो तो फ़ायदे और नुकसान हर चीज़ के होते हैं। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है और आप उसके इंटरेस्टेड होते हो तो आपको उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं, जो एक हद तक ठीक भी है। अगर आप नेगेटिव भी सोचते रहोगे तो फिर लोगे कैसे और करोगे कैसे कोई नई चीज़। बाकी दोस्तों बड़े दिनों बाद आए हैं आप, मतलब लास्ट पहाड़ों में, वैसे कसौली वाले को तो मैं नहीं बोलूँगा, बड़ी सोचो वो इतना पहले वो कसौली वाला पहाड़ का रास्ता उतना सही था, उतने में ही ख़त्म हो जाता। इस बार थोड़ा लंबा चलेंगे पहाड़ों में, मतलब वो बात अलग है कि लद्दाख स्पीति की तरह उस टाइप के टरेन और वहाँ ऊँचाइयों पर नहीं जाएंगे, पर स्टिल साथ तो हैं ही। ज़रूरी थोड़ा है कि हमारी दोस्ती लद्दाख और स्पीति वाली होनी चाहिए, तो हर जगह की होनी चाहिए, है कि नहीं। हाँ चाय पी लो, गर्म ठंडी हो रही है। इतनी सारी चीज़ें ना यार इंडिया में, मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे यहाँ पे शिमला में वो ट्रेन भी जाती है जो यू नो वो पहाड़ों से जो शिमला की ट्रेन है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड है, और ख़ासतौर से अगर बर्फ़ बर्फ़ गिरी उस टाइम पे तो वो और भी ब्यूटीफुल हो जाती है वो जर्नी, जैसे वो करना है। फिर वो दार्जिलिंग वाली ट्रेन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये तो मेरे को अभी एकदम सामने दिखी वो ट्रेन की पटरी ऊपर से जा रही है यहाँ पे कि पर वही है ना कि जैसे ऑफिस जो लोग जॉब करते हैं काम करते हैं, कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं पूरे साल में, कितनी जगह जा सकते हो। अगर आप देखो साल में आप मानो 4 छुट्टियाँ लेते हो, मानो साल में 4 छुट्टियाँ, ठीक है साल में 4, 10 साल में आप 40 जगह जा सकते हो 10 साल में, और 20 साल में 80। मेरे को लगता है कि 30-40 तक अगर आप एक एक बढ़िया बढ़िया जगह घूमोगे तो हिमाचल में ही होंगे उससे ज़्यादा। लाइफ इज़ शॉर्ट गाइज, लाइफ इज़ शॉर्ट, लाइफ छोटी है और लाइफ फेयर नहीं है, ये दो चीज़ तो है। हाँ मतलब शॉर्ट उनके लिए है जिनको बहुत कुछ करना है, जिनको नॉर्मल अपनी 5-6 जॉब करनी है और सैटरडे को एक नई मूवी देखनी है, संडे को डिनर करना है बाहर, और या फिर एक्चुअल में लोग, ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फाइनेंशियली ठीक है, जो एक्चुअल में फाइनेंशियली उतने ठीक नहीं है, उनको तो एवरी डे दे हैव टू फाइट फॉर यू नो ब्रेड एंड बटर, रोज़ खाने पीने के लिए ही वो है। सो वो कहाँ घूमे, वो पहले अपना खाने पीने का इंतज़ाम करें। तो हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप की सिचुएशन है, अलग अलग टाइप है नो। सो बेसिकली क्या है कि आपको हार नहीं माननी है और आपको दूसरे को देख के अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। यू हैव टू डू द बेस्ट, आपको बेस्ट करना है, आपको सबसे अच्छा करना है जो आप अपनी हालात में कर सकते हैं। हर हालात में कुछ ना कुछ बेस्ट होता है, ये नहीं मैं मानूंगा कि किसी भी हालात में
कोई भी पॉजिटिव करना या बेस्ट करना कुछ है ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ये मैं अग्री कर सकता हूँ, और कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती होगी जो आप मनो मन सोच रहे होगे अभी, ये सारा आपको क्या पता मैं कैसे गुजर रहा हूँ किन चीज़ों से, यू नो, और आप नहीं समझ पाओगे, यू नो, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। पर सच बताऊँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना और हम ये बातें कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इट्स जस्ट कि आपको देखना है पॉजिटिव है कहाँ। पॉजिटिव का हमेशा मतलब ये नहीं कि मेरे अकाउंट में टन टन बजे और 1,00,000 रुपये आ जाए, या पॉजिटिव ये नहीं है कि कोई आए सडनली मेरे को और आईफोन गिफ्ट कर दे। पॉजिटिव ये नहीं कि कोई भी एकदम से आएगी, ये लो आज से गाड़ी तुम्हारी, या ये लो 2,00,000 रुपये जाओ अमरीका घूम के आओ, नहीं ऐसा नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखें तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत बार ट्रिप्स में जब राइड कर रहा होता हूँ बहुत बार परेशान भी हो रहा होता हूँ, फिर किसी तरह पॉजिटिव होने की कोशिश करता हूँ। बहुत हद तक तो मैं आप लोगों से बात करके ही पॉजिटिव हो जाता हूँ, जैसे अभी भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, और शायद मेरी बातें सुन के आप भी थोड़े पॉजिटिव हो जाते हो। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है लाइफ में कि हम एक दूसरे को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअल में लोग, मतलब मैं सही बताऊँ उससे मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगा, मैं अपने आप को कोई महात्मा नहीं बोल रहा हूँ, कि सब अपने में ही बिज़ी हैं बताएं, और अपने में ही बिज़ी होने के बहुत सारे रीज़न हैं। लोगों की चाहतें इतनी बढ़ गई हैं, नौकरियाँ में काम करना मुश्किल हो गया, महंगाई, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में ही खोए हैं। पर थोड़ा 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 टाइम निकालो, थोड़ी सोच रखो औरों के लिए। पर कभी कभी फिर ये भी होता है कि लोगों के लिए सोच रखते हैं, पर लोग इतने करप्ट हो गए आजकल कि आप अच्छाई करने जाते हैं लोगों की, पर पता चला आप ही के साथ बुराई हो गई, ये भी है। कहते हैं ना कलयुग, कलयुग है। पर जो है हमें हमेशा दिशा, रोशनी, पॉजिटिविटी खोजते रहनी है, ठीक है। चलो बहुत देर से ज्ञान की बातें हो गई, मेरे को लग रहा था कुछ मिसिंग है। आई होप कि आपने फॉरवर्ड ना कराओ।